हम लोग संकल्प के साथ आने वाले 10 सालों के अंदर इस राज को गुजरात के बराबर में ले जाने का हम लोगों का संकल्प है। ये पिछड़ा राज्य नहीं रहा, ये कलंक मिटाना है और ये हम लोग अपने हाथ से करेंगे। यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा मिलकर करेगा। आज जब काम का गति दिख रहा है तो ऊपर से बमबारिंग हो रहा है कि कैसे इसका काम को हम गति को रोके, तो कभी ईडी बुला लेगा, कभी सीबीआई बुला लेगा। और इन लोग का संकल्प है इसको जेल नहीं भेजेंगे तो ये लोग राजनीति का रोटी उन लोग का पकेगा नहीं। और लोग जुगाड़ लगा हुआ है किसी तरीके से इसको हम लोग पकड़ ले, होने जाने वाला कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं सत्य को सिर्फ तुम परेशान कर सकते हो, पराजय नहीं कर सकते। हम सीएनटी एसपीटी को और मजबूत करना चाहते हैं 1932 के बाद के मदद से, तो ये लोग बोलता है नहीं, विवाद को नया विवाद को जन्म दो, मत दो नया विवाद का। आदिवासी, दलित, पिछड़ा अपना हक अधिकार जब मांगता है तो उसको विवाद ही संज्ञान देता है, कोई बात नहीं, ये लड़ाई भी लड़ेंगे। आज जिस तरीके से राजनीतिक मैदान में, तो अब ये लोग भूल गए, अब इनका बस की बात नहीं है राजनीतिक मैदान में हमारे समक्ष आके खड़े होकर, तो अपने संस्थाओं का दुरुपयोग करो, चाहे महामहिम का हो, चाहे और भी संवैधानिक संस्था हो, ईडी सीबीआई के माध्यम से, खैर कोई बात नहीं, हम लोग घबराते नहीं, हमसे मिलेगा क्या है, हमारे घर में जाके तुमको मिलेगा कौन चीज, हम नेतृत्व करता किसका है तुमको मालूम है, हम लोग नेतृत्व करता इस राज का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों का, जिसका अपना जेबे फटा हुआ उससे क्या हम लेंगे बताओ। हम व्यापारियों का जनप्रतिनिधि नहीं है, हम गरीब पिछड़ों का जनप्रतिनिधि है। व्यापारियों का जनप्रतिनिधि तो आप लोग हैं।